डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे कुख्यात थानों में से एक थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र है, जहां कई हथियार फैक्ट्री मिलने के बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज सुबह से ही पुलिस अपराधियों का वेरिफिकेशन कर रही है। 300 से ज्यादा अपराधियों के वेरिफिकेशन के लिए 150 पुलिस कर्मियों की 24 टीम लगाई गई है। दिन निकलने से पहले ही पुलिस अपराधियों के घर पहुंच गई, जिसके बाद अपराधियों के घर में हड़कंप मच गया। मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का है, जहां कुख्यात अपराधियों का बसेरा माना जाता है। इस थाना क्षेत्र में अपराधियों की फहरिस्त काफी लंबी है। हाल ही में पुलिस ने इसी थाना क्षेत्र में से 2 हथियार फैक्ट्री पकड़ी थी, जिसके बाद कई लोगों को जेल भेज दिया गया। लेकिन अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। इलाके के CO अरविंद चौरसिया ने सुनियोजित तरीके से अपराधियों की वेरिफिकेशन की रणनीति तैयार कर डाली। आज सुबह दिन निकलने से पहले ही पुलिस अपराधियों के घर पहुंच गई। कुछ अपराधी अपने घर में ही मिले, जिन्हें गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया। वहीं अपराधियों के घर पर पुलिस की दबिश से हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों की माने तो जो अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद फरार हैं, उनकी फहरिस्त तैयार की गई है, जिसके आधार पर उनके घर पर दबिश दी जा रही है। उन अपराधियों का स्टेटस खंगाला जा रहा है, ताकि अपराधियों में कानून का खौफ पैदा हो और वारदातों पर लगाम लगाई जा सके। देखिए इस बारे में SP सिटी पीयूष सिंह से मिली जानकारी। आज थाना क्षेत्र लिसाड़ी गेट में अपराधियों का एक वृहद सत्यापन अभियान चलाया गया है, जिसमें नगर क्षेत्र की कुल 24 टीमों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है। इसमें 150 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल है। अभियान के दौरान 300 से अधिक अपराधियों के घरों पर जाकर पुलिस टीम के द्वारा सत्यापन किया गया, जिसमें 185 अपराधी मौजूद मिले हैं, जिन्हें थाने लाकर प्रॉपर डोजियर भराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित चल रहे 5 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अन्य फरार अभियुक्तों के विषय में जानकारी की जा रही है, उनके विषय में आगे जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि वर्तमान में कहाँ पर हैं और क्या काम कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। The God's Palace Resort, Ganga facing restaurant, party house, destination wedding, 12,500 square feet में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।